Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 8 exercise 8.1 question number 8. Chapter is quadrilateral 4 class 9. Question is given that ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. यहाँ पे दे रहा है कि ये जो है एक rectangle है. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि ओपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ए बी सी डी एंड ए सी इज अ डायगोनल. यहाँ पे ये चीज गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे को बाईसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स ये एंगल. अब इसका मैं एक नेमिंग कर देती हूँ 1 2 3 4. यहाँ क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए. शो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर. अब रेक्टेंगल और अ स्क्वायर में डिफरेंसेस क्या होता है? डिफरेंसेस ओनली डिफरेंसेस होते हैं कि इनके स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल का ओपोजिट साइड्स इक्वल होता है. ओके एंड ऑल्सो और दोनों का सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं. तो सिर्फ हमें प्रूफ करना है कि गिफ्ट 4 का 4 साइड्स जो है वो इक्वल है. जो गिवन है वो मैं लिख देती हूँ. सपोज दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ओके ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए as well as angle C. It means क्या हो गए? Angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4. ये हमें given है. Opposite sides equal है. AB equal to, ये भी given है हमें कि AB equal to CD and BC equal to AD. ये चीज की बात, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम बोला है क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन में मैंने लिख दिया. अब जो जिसकी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसे हम यूज करेंगे. फर्स्ट पार्ट यूज सॉल्व करते हैं टू प्रूफ. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. हमें जो प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी, ये हमें प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे रेक्टेंगल क्या है एक पैलेलोग्राम भी है. रेक्टेंगल को हम पैलेलोग्राम भी बोलते हैं. तो हम एज ए ट्रांस ये इसे क्या लेते हैं, पैरेलल लाइन. ओके तो प्रूफ सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी. ओके और इसमें ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है. ए सी इज ट्रांसवर्सल. ये चीज ओके. ट्रांसवर्सल अगर ये लाइन, ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे 1 equal to 4 and 2 equal to 3. देयरफॉर एंगल 1 equal to 4, एंगल 2 equal to angle 3. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अभी दिया है कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. तो अगर 1 4 के बराबर है, 1 4 के बराबर है अभी और 4 2 के बराबर है ना. गिवन क्या है कि 1 जो है वो 2 के बराबर है ना. यहाँ पे जो गिवन पार्ट हो, एक बार हम गिवन पार्ट को चलो, यहाँ पे इसे 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया और 4 बना दिया, चलो इक्वेशन बना दिया. अब हम यहाँ चेक करते हैं एंगल 1 जो है 2 के बराबर है,
और एंगल वन जो है वो फोर के बराबर भी है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, थर्ड एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर है ना, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर। ओके, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो जो इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। देखिए एंगल साइड ए डी इक्वल टू सी डी है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड है तो वो भी आपस में इक्वल है। हो गया, हमने इन दोनों को कर दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं और हमने यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है ना, ए बी सी डी के बराबर है। और दूसरी चीज गिवन है, हमने अभी प्रूफ किया कि ए डी, देखो यहाँ पे यहाँ से चेक करते हैं कि ए डी ए बी और सी डी इक्वल है। और यहाँ पे देखो कि ए डी ए डी सी डी के बराबर, इधर दोनों का देखो, इधर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो ए डी ए डी इक्वल टू सी डी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके जो इक्वल है वो भी आपस में इक्वल होंगे है ना। देयरफोर यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये सी डी इक्वल टू ए बी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, कहाँ से भाई, तो ये है आपका गिवन पार्ट है ना, ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी और बी सी इक्वल टू ए बी, देयरफोर है ना। यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो है ये वाली पार्ट ए डी जो है, ए डी अगर इसके बराबर हो, सी डी के बराबर हो, इन दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाए, ये दोनों के इक्वल जो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी, जब चारों साइड इक्वल हो गया तो गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, हेंस गिवन इज अ स्क्वायर। अभी मैं आपको फिर से ये चीज समझा रही हूं, हमने सबसे पहले फाइंड किया कि एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और उन्हें हमने इक्वल कर लिया, फिर इक्वेशन बना दिया और दो चीज हमें ऑलरेडी गिवन थे उन सबको लेकर के हमने इक्वलेट कर दिया, इन दोनों को इक्वलेट कर दिया। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो वही चीज हमने ऑपोजिट साइड को इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे जो आया ए डी इक्वल टू सी डी है ना, अब ए डी इक्वल टू बी सी भी आ रहा है, ए डी इक्वल टू बी सी है ना, AD equal to CD भी है, AD equal to BC भी है, right like this, कि AD equal to CD equal to BC और BC और CD जो है, और ये जो CD है, ये वाली CD वो AB के equal है, इस तरीका से ये चारों साइड इक्वल हो गए, तो गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट BD, diagonal BD, ये जो diagonal है, ये bisect angle B as well as D. Last question में जो मैंने किया था, वही करना होगा यहाँ पे, लगभग सब कुछ given है, उसी से यहाँ पे ये इसे मान लूँ मैं, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. अभी हमने proof किया कि एक square है, it means चारों side इनके equal है, okay? तो जब चारों साइड इक्वल होंगे तो इनके जो ओपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, है ना। हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि इनके मतलब ये वाली साइड दोनों, यहाँ पे मैं एक ले करके चलती हूँ कि ए बी इक्वल टू ए डी, अब प्रूफ
therefore angle 6 equal to angle 8. ये दोनों साइड इक्वल है. अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 1, उसी क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस चीज को नोट कर दिया. तो लिखेंगे ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल हो. BC इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7. सेम चीज ये जो हमने लिखा वही चीज होगा. हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल BD है. ये चीज यहाँ पे मैं लिखूंगी तो साइज नजर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. ओके, हेंस बाय ये डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D. Okay, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में जो 8.1 का लगभग क्वेश्चन में मैंने देखा है कि पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी है मैक्स टू मैक्स और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेकर के सारे को हम प्रूफ कर रहे हैं. तो हमें बेसिक चीज जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है. पैरेलल लाइन के बारे में हम फिफ्थ क्लास से ही पढ़ने लगते हैं तो उन चीज को हमेशा इसीलिए रिवीजन करवाई जाती है ताकि आप उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आगे जाकर के यूज कर सको और यूज करके उसकी सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर सको. आई होप सॉल्यूशन समझ में आया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन का दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें.